fame with the Pakistani film Bol, held a press conference to announce his first Bollywood film, Ye Rab, at a 5-star hotel in Mumbai. तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस था ये यारब का, तो पहले आपको ये पता ही होगा कि मैं लखनऊ में जाने की मुझे क्या कहते हैं जाने की जहमत दी गई, इजाज़त दी गई, तो मैं 10 दिन वहाँ पे रहा लखनऊ के अंदर। वहाँ 10 दिन के अंदर दो ऐसे इंसान हैं जिनका नाम अभी भी मुझे याद है और जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ। एक तो थे पंकज साहब, दूसरे थे अकबर खान। पंकज जो है वो मुझे लेके जाता था मेरे होटल से लोकेशन के ऊपर, और अकबर जो था उसका काम ये था कि किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो ही वॉज ऑलवेज देयर। ये दो बंदों ने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी फिल्म थी ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी, मेरे लिए तो कलेक्टिव एफर्ट है और टीम वर्क है। अगर आप वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो इसमें एंगेज थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये उन्हीं की वजह से होता है, उनकी मेहनत उनके पैशन की वजह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें कि आदमी को काम करने में मज़ा आता है। तो वो क्रिएट किया गया और ये तमाम उसमें 250 लोग थे, 300 लोग थे, जितने भी थे, ये तमाम लोगों की एफर्ट थी और उसके बाद वो माहौल क्रिएट हुआ जिसमें कि तमाम लोगों ने अपने पैशन के साथ वहाँ पे काम किया और मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरती और हुस्न के साथ अपना काम जो है निभाया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम मौका मिलता है इंसान को ज़िंदगी में कि इस किस्म के एक्सपीरियंस जो है वो उसको हो। आई ओपनर है ऐसे, और इसका जो TRP है, इसके जो डायलॉग्स है और हार्ड हिटिंग जो सीन्स हैं उसमें हैं, बट इट्स टू अर्ली टू रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म बिकॉज वी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द फिल्म एंड जब तक रिलीज होगी विल गो टू द फेस्टिवल्स एंड दैट काइंड ऑफ बिग रिलीज वी आर लुकिंग एट, सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू रिवील द कम्प्लीट स्टोरी ऑफ द फिल्म। इसके बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि तमाम लोग जिन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया, आई मीन द को एक्टर्स और बाकी भी प्रोडक्शन के और कैमरा क्रू के लोग, मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है और बड़े लगाव के साथ, और ये उस वजह से मेरे लिहाज से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल फिल्म। मूवी इज़ बेस्ड ऑन करंट इश्यूज एंड इज गॉट अ बेसिकली फ्लेवर फॉर एवरीथिंग, लाइक लिटिल बिट एक्शन इज हियर, ड्रामा एंड देन इज अ सटायर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड रोमांस इज ऑल्सो देयर। इज अ ओवरऑल इज अ मूवी कैसे इज अ कॉमर्शियल मूवी एंड वेरी वेल शॉट बाय डायरेक्टर साहब एंड द स्क्रिप्ट राइटर इज अपने अख्तर साहब, इकराम अख्तर, and the dialogue has been written by Sanjay Masoom sir, so it's come up with a very good cinema. मेरा काम है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है या थोड़ी बहुत खूबसूरती है अगर मैं उसको इस काम के ज़रिए दिखा पाऊँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। सारी चीज़ें मौजूद हैं यार, एक्शन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, गाने भी हैं, मतलब कि जो एलिमेंट्स एक फिल्म को बनाते हैं मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। दूसरा ये है अखिलेंद्र मिश्रा साहब हैं इसके अंदर, राजू खेर है इसके अंदर, मतलब कि काफ़ी और लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत के साथ इस फिल्म के अंदर काम किया। बॉलीवुड हंगामा न्यूज़ नेटवर्क।